सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बस बैठ के कोड कर रहे होते हैं क्या? पूरे दिन बस लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, कोड करे जा रहे हैं। इसके अलावा लाइफ में कुछ बढ़िया होता है, फन होता है? जब ट्रिप्स वगैरह होती है, बिजनेस ट्रिप्स होती हैं, कोड करते टाइम आपको बस बग पे बग, फीचर पे फीचर मिलते रहते हैं, या फिर कैसे चीजें वर्क करती हैं? तो ये सारे डाउट्स आप सबके दिमाग में होंगे। इफ यू आर करंटली इन योर 11th और 12th, यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ यू आर करंटली इन कॉलेज, जो इंटर्नशिप्स वगैरह ज्वाइन करने वाला है, या फिर जो एक्चुअली अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है, कि यार एक्चुअली जो ये फैंग कंपनीज हैं या फिर इन जनरल अच्छे स्टार्टअप्स हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इनमें काम कैसे हो रहा होता है। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग टू मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो डे टू डे काम कर रहे होते हैं। एक हमारा इंजीनियरिंग मैनेजर है गूगल में, एक हम बात करेंगे SG1 से, एक हम बात करेंगे टेक लीड से। सो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे एज यू गो अप द हायरार्की कि आपके काम कैसे चेंज होते रहते हैं। क्या जो मैनेजर है वो भी कोड कर रहा होता है? क्या जो आपका टेक लीड है वो कितना कोड कर रहे होते हैं? डिजाइन क्या हो रहा होता है? कैसे चीजें वर्क करती हैं? सो इस वाले वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। आई एम निशांत चार, वेलकम बैक टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक द वीडियो। इस वाली वीडियो में 5000 लाइक्स का लाइक टारगेट रखते हैं। लास्ट वाली कुछ वीडियो से नहीं करा रहे हो, सो इट्स नॉट गुड। जल्दी से करा दो सो दैट यू गेट मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। ऑल्सो सिस्टम डिजाइन प्रेप इज लाइव, यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट, आप एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बंडल ऑफर भी है, अगर आपको DSA भी पढ़ना है इसके साथ साथ सिस्टम डिजाइन के, तो DSA प्रेप लाइट आपको 999 में मिल रहा होगा। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट कर सकते हो सारी डिटेल्स वगैरह। LLD आपका सुभेश पढ़ा रहा होगा, ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। HLD आपका अभिषेक पढ़ा रहे होंगे, ही इज एन इंजीनियरिंग मैनेजर एट गूगल। सो टॉप नॉच क्वालिटी होने वाली है एंड इट्स गोइंग टू बी रियली यूजफुल इफ यू वॉन्ट टू स्विच, इफ यू वॉन्ट टू गेट बेटर विद योर HLD एंड LLD स्किल्स। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो पूरे 8 से 10 घंटे की जो आपकी जॉब होती है, क्या उसमें पूरे टाइम आपको कोड करना होता है? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। यू डोंट हैव टू कोड थ्रू आउट द 8 to 10 hours। बेसिकली आपके ना मल्टीपल फीचर्स होते हैं, मल्टीपल टास्क होते हैं। काम कैसे स्टार्ट होता है? पहले एक फीचर या फिर एक टास्क आइडियलाइज किया जाता है कि यार ये हम कर रहे होंगे, हमें ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। जो के प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो प्रॉपर एक डॉक बनाते हैं जिस डॉक में सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, व्हाई वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये हमारे जो LTs होते हैं, ठीक है, जो हमारे टॉप लेवल वाले लोग होते हैं, उनके सामने प्रेजेंट करना होता है, आपको दिखाना होता है कि हमें इस चीज के लिए बजट चाहिए। एवरी इंजीनियर दैट इज स्पेंडिंग 1 hour, तो कुछ कॉस्ट लगती है उसकी। सो इतनी कॉस्ट जस्टिफाइड है कि नहीं इस चीज़ के लिए, दे हैव टू फर्स्ट जस्टिफाई दैट। इफ दैट्स डन, तो उनको बजट एलोकेट होता है कि यार एक इंजीनियर, दो इंजीनियर, तीन इंजीनियर, कितने लोग इस पर काम कर रहे होंगे। इसके बाद यू गेट द डॉक, यू रीड द डॉक, आपको कुछ डाउट्स होते हैं, आप डाउट्स डालते हो, डाउट्स के बाद वो डाउट सॉल्व हो रहे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ये फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, बैक एंड प्रोजेक्ट है, किसी ऐप का प्रोजेक्ट है, सर्विसेज बनानी है, क्या बनाना है। अगर आपको UI साइड कुछ करना होता है तो ये वाला डॉक फिर जाता है आपके UI/UX डिजाइनर्स के पास। दे बिल्ड अ फुल डॉक, जो आपको फिग्मा फाइल मिल रही होती है, आपको UI मिल रहे होते हैं, UI फ्लोज मिल रहे होते हैं, उन UI फ्लोज को आप चेकआउट करते हो, उसमें देखते हो क्या चीज़ें फीजेबल हैं, क्या चीज़ें फीजेबल नहीं है, किन चीज़ों के डिज़ाइंस जो उन्होंने बनाए हैं वो आप एक्चुअली ऐप में सपोर्ट कर सकते हो, वेबसाइट में सपोर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। कई चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं बट समटाइम्स इट्स नॉट फीजेबल टू बिल्ड दैट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है, यू कम टू अ कंक्लूजन एंड देन यू स्टार्ट कोडिंग। सो ये पूरे प्रोसेस में आपके 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप कोड नहीं कर रहे होते, when you are supporting, you are, when you are maintaining your current service या फिर current website, आपको bugs आ रहे होते हैं, कुछ छोटे मोटे, किसी ने कुछ build किया था उसमें कुछ issue आ गया, तो उस issue को आप solve कर रहे होते हो, you get 1-2 bugs। इसके साथ साथ accessibility एक चीज़ होती है, so there are multiple people with different disabilities, उनकी help करने के लिए, ताकि वो भी आपके application को, वो भी आपके website को use कर पाएँ, you have to take care of accessibility as well, कि कीबोर्ड से लोग यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो वॉइस कमांड्स होते हैं उनसे कर सकते हैं नहीं कर सकते, एंड जेस्टर्स से कोई कर सकता है नहीं कर सकता, तो ये इन सब चीज़ों को भी आपको टेक केयर करना होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन। सो ये सब करने के बाद इसके साथ कुछ आपकी मीटिंग्स हो रही होती हैं, इसके साथ आप थोड़ा टाइम चिल कर रहे होते हो, लंच वंच कर रहे हो, तो दिस इज द होल वर्क। इसमें 8 से 10 घंटे पूरा कोडिंग नहीं होता, कभी कभी यू हैव टू कोड फॉर 8 to 10 hours ऑल्सो, जब आपको डेडलाइंस को बीट करना होता है, डेडलाइंस तक आपको आपने बीट करना होता है। अब लेट्स लिसन टू एवरीवन एल्स कि वो कितने टाइम कोड कर रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुभेश। हे एवरीवन, माय नेम इज गौरव भोला। आई वर्क एट गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू। I'm a technical lead on the Android framework team, working on the Android automotive operating system. Generally, what I do is implement features, maybe meetings, code reviews, working on few bugs, right? Well, it's a sad reality that I hardly code. So I've realized over time that the more senior you get, you kind of you become farther away from the code. As engineering manager, tech contribution mein mera bahut zyada time design mein jata hai, you know, both design docs likhne mein plus dusron ke designs review karne mein. Ab for product based companies ya fir in general companies mein timings kya hoti hain?
वर्क फ्रॉम होम में तो यार बहुत फ्लेक्सिबल होता है एंड मोस्ट कंपनीज में ना टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हो रही होती हैं। इट्स जस्ट कि जब आपकी फर्स्ट मीटिंग उस टाइम पे आपका अवेलेबल होना होता है, फर्स्ट मीटिंग जनरली 11-10 बजे के आसपास होती हैं, सो दैट यू डोंट मिस इट आउट। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। नाउ कंपनीज हैव स्टार्टेड आस्किंग लाइक देयर एम्प्लॉयज टू कम बैक टू ऑफिस, सो जो ऑफिस की जनरल टाइमिंग्स होती हैं 9-5 होती हैं या फिर 10-6 होती हैं, तो लोग उस टाइम पे जा रहे होते हैं, उस टाइम पे इनकी मीटिंग्स हो रही होती हैं। बट इफ़ यू आर वर्किंग रिमोटली, आप अपने घर से काम कर रहे हो, तो फर्स्ट मीटिंग से पहले आपको करना होता है एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। इसके साथ साथ आप दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी काम कर रहे होते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जैसे करंट आप एक फीचर पर काम कर रहे हो, उसका कुछ जो सर्विस बनाई हुई है किसी ने, जो बैक एंड बनाया हुआ है, वो जो टीम है वो US में बैठती है या फिर वो टीम इंग्लैंड में बैठती है, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठती है, तो आपको उनके साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको लेट आवर्स में कई बार काम करना पड़ जाता है एंड ऑल दैट डिपेंड्स कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। भी इसके साथ मैंने बताया, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो आपको डिज़ाइन डिस्कशंस करने होते हैं कि एक्चुअली आप जो सर्विस बिल्ड कर रहे हो वो कैसे बिल्ड कर रहे होगे, जो आप फ्रंट एंड बना रहे हो वो कैसे बना रहे होगे। यहाँ पे आपका HLD LLD बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। हाई लेवल डिज़ाइन में आप डिसाइड कर रहे होते हो कि इस बैक एंड सर्विस में आप क्या यूज़ कर रहे होगे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है या फिर माइक्रो सर्विस बना रहे होगे, कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे होगे, कहाँ पे हैशिंग यूज़ करनी है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ये सब आप डिसाइड कर रहे होते हैं। कैश कैसे यूज़ करना है, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ा भी रहे होते हैं अपने HLD LLD वाले कोर्स में। LLD में फिर आप डिसाइड कर रहे होते हो, UML डायग्राम वगैरह बनाते हो, आप डिसाइड करते हो कौन सी क्लासेस होंगी, कैसे आप कोड को स्ट्रक्चर कर रहे होगे, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे होगे, एंड ऑल दीज थिंग्स आर टॉट इन LLD। सो डू चेक आउट algoprep.in इफ यू वांट टू गेट बेटर एट ऑल दिस। जो आपकी डे टू डे लाइफ होगी, जो आप जॉब में काम कर रहे होगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, टू गेट यू फास्टर प्रमोशंस, टू गेट यू बेटर एट द वर्क यू आर डूइंग। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, इट्स फॉर पीपल हु आर एक्चुअली लाइक दे वॉन्ट टू गेट बेटर इन देयर जॉब्स। एंड एक बार बाकी सबसे पूछ लेते हैं कि एक्चुअली डिज़ाइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वंस यू गेट इन, सिस्टम डिज़ाइन kicks in and you need to be good at system design. मेरी कंपनी में देखो तो डिजाइन प्रिंसिपल्स आर लाइक मोस्ट बेसिक, जो कॉलेज फ्रेशर भी ज्वाइन करता है उसको सबसे पहले डिजाइन प्रिंसिपल्स ही सिखाते हैं। टू नो अंडरस्टैंड द कोड बेस इजीली, टू नो इंप्लीमेंट द फीचर्स राइट, कितना वो रीडेबल है, कितना वो इजी टू एक्सटेंड है। सिस्टम डिजाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट देयर राइट, बहुत बहुत मायने रखता है, जो भी आता है उसको सबसे पहले यही सब सिखाते हैं। आई थिंक द मोर इंपैक्ट इज बीइंग जनरेटेड बाय डिजाइनिंग and understanding the design rather than just coding. अब next एक दिमाग में बात आती होगी यार, what do software engineers do में, कि यार ये सब बस काम ही करते रहते हैं, चिलविल करते हैं, नहीं। So हर क्वार्टर में, जैसे फॉर माइक्रोसॉफ्ट देर इज़ अ बजट जहाँ पर आपको टीम लंच पर ले जाया जाता है, फिर पूरे साल में एक आपका OBT आउटबाउंड ट्रेनिंग का बजट होता है, जब आपको बाहर किसी रिजॉर्ट में ले जाया जाता है, फिर किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है। आई वेंट टू गोवा भी रिसेंटली, एक और हमारी OBT हुई थी, वो बैंगलोर से थोड़ी बाहर हुई थी, वी वेंट देयर, वी स्टेड देयर फॉर अ डे। सो इस टाइप की आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, आपको अलग अलग चीज़ें कराई जाती हैं, इसके साथ आपकी ऑन साइट ऑफ साइट एंड बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग ऑफिस पार्टीज़ होती हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट सेलिब्रेटेड 25 ईयर्स, सो उसके पूरे एक दिन एक कार्निवल टाइप का हुआ था, देयर वर मल्टीपल गेम्स दैट यू कुड प्ले। एंड सिमिलरली और कंपनीज में भी सेम चीज़ होती है, आई रिमेंबर अडोबी में एक बार हुआ था, दे कॉल्ड अरिजीत सिंह। सो जो आपके कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें भी हो रही होती हैं एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक कन्फाइंड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी हो रहा होता है और अलग टेक कंपनीज में भी हो रहा होता है। छोटे स्टार्टअप्स में इतना नहीं होता, बट स्टार्टअप्स में भी जो बजट्स होते हैं आपके और टीम आउटिंग्स वगैरह के, टू बिल्ड दैट टीम बॉन्डिंग, वो हो रहे होते हैं। अब जैसे आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड आ जाएगा, भाई आते ही आपको बहुत सारा काम दे दिया गया है। जनरली आपको टाइम दिया जाता है टू रैम्प अप। आप जब कॉलेज से आए हो, आपने मोस्टली DSA पढ़ा हुआ होगा, आपने कोई डेवलपमेंट करी होगी, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने डेवलपमेंट करी है उससे रिलेटेड ही आपको काम मिल रहा हो, आपको कुछ भी काम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्वाइन, आई गॉट iOS, मैंने स्विफ्ट कभी, मेरे को पता ही नहीं था क्या होती है, मैंने कभी iOS डेवलपमेंट करी नहीं थी, मेरे पास मैकबुक ही नहीं था, आईफोन ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था, सो आई गॉट टाइम टू लर्न। फिर उन्होंने मेरे को थोड़े बग्स वगैरह देने स्टार्ट किए, टू अंडरस्टैंड कि कोड कैसे वर्क करता है, क्या फ्लोज हैं, ये सारी चीज़ों के बाद देन दे स्टार्टेड गिविंग मी फीचर्स, ऐसा होता है। उसके बाद फिर मैंने स्विच टू अ सर्विसेज टीम, बैकएंड वगैरह पे भी सेम चीज़ हुई, हमने कुछ एक छोटा सा फीचर बिल्ड किया, जैसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स वगैरह क्लीन अप किए, हमने फोल्डर्स वगैरह क्लीन अप किए, तो वहाँ पे हमने समझा कोड कैसे वर्क करता है, यूनिट टेस्ट वगैरह लेके, ऐसे करते करते ना आप चीज़ें सीखते रहते हो एंड यू गेट बेटर एट इट। अब लेट्स सी हाउ एवरीवन एल्सेस डे लुक लाइक। जनरली मेरा दिन तो ऐसा ही होता है, 3-4 घंटे जनरली, कभी मीटिंग्स हो रही होती है, कभी कभी पूरा दिन फ्री होता है, उसके अलावा आप कोड कर रहे होते हो, कुछ डिज़ाइन डॉक्स वगैरह रिव्यू कर रहे होते हो, इफ़ यू आर लर्निंग अ न्यू थिंग यू गिव टाइम टू इट, एंड इस तरीके से पूरा दिन जा रहा होता है। इन गूगल जनरली यू बुक
cab for next day, a day before, right? So my day at Google starts with reversing a linked list. Then I try to invert a binary tree by 10 a.m. Then I try to find the shortest path to that closest Google cafe. Three things we do: people management, tech contributions, and thoda personal level pe mentorship. So I have been managing for last many months to miss my cab almost daily. I start with like quick planning and code reviews to unblock others. I write a few design docs, then help others in writing design docs. During day, generally what I do is implement features, maybe meetings, code reviews, working on few bugs, right? People management is more about ki aap kaise apne employees ko mentor grow kar rahe ho, how aap unko kaise career mein grow karne mein help karoge, personally kaise aap support kar rahe ho jab wo ek tough time se guzar rahe ho, etc. Do some readability reviews, have some fun with the teammates. And then go to the gym and just head back. जितने भी लोग कोड ट्रिप में हैं, आप बेंचमार्क सेट करके रखते हो कि सारी कोडिंग प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो लो लेवल डिजाइन पे हैं बेसिकली, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? After whole day of going through implementing codes, while coming back, I might pick one or two cold drink can, take it with me so that I can have it at night while taking my data structures and algorithm class at AlgoTrip, right? So yeah, that's how my day looks at Google. Generally, ना आपके month की starting में sprint planning हो रही होती है, इसमें आप बता रहे होते हैं कि मैं इस दिन शायद out of office रहूँगा या रहूँगी, मैं इस दिन work नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें, ये public holidays हैं, तो आपके task decide होते हैं कि आप इस टास्क पे काम कर रहे होंगे, आपको ये सारे बग्स सॉल्व करने होंगे या फिर आपको एक्स वाई जेड चीज़ें करनी होगी. सो ये सब आपके साथ हो रहा होता है, आपको इन सब के लिए टाइम दिया जाता है, आप सब प्लान कर रहे होते हैं अपने मैनेजर अपनी टीम के साथ. एंड इसके अलावा कुछ कभी कभी आप बीमार हो गए, वो सब हो गया, वो तो इज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स. देर इज अ स्प्रिंट. अब स्प्रिंट ना आपकी सब कंपनीज की सब टीम्स के अलग अलग होते हैं, कुछ लोगों की दो हफ्ते की होती है, कुछ लोगों की चार हफ्ते की होती है, कुछ लोगों की दो महीने की होती है, कुछ लोगों की एक क्वार्टर की होती है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द टीम, एंड ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता रहता है. और एक मेजर डिफरेंस है आपका एमएनसीज वर्सेस स्टार्टअप्स में. एमएनसीज में ना देर आर मल्टीपल पीपल डूइंग मल्टीपल थिंग्स, सो आपको किसी एक चीज़ में अच्छा होना पड़ता है. जब आप स्टार्टअप में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको सब चीज़ों में अच्छा होना पड़ता है कि आपको कोई भी टास्क दिया जा सकता है. दे हैव एन इंजीनियरिंग टीम ऑफ लाइक थ्री पीपल, तो तीनों लोग सब काम कर रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर आप गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे होगे, तो यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर टास्क, यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर थिंग जिसमें आपको अच्छा होना है, जिससे रिलेटेड आपको काम वगैरह मिल रहा होगा. अब फाइनली एक चीज़ पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही होती हैं, स्टार्ट कैसे होता है, डिसाइड किया जाता है कि क्या काम होने वाला है. जब वो काम डिसाइड हो जाता है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, पूरा डॉक लिखा जाता है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम इन रिक्वायरमेंट्स को ऐसे ऐसे फुलफिल करेंगे. थर्ड चीज़ फिर आ रही होती है, अगर UI है तो UI वगैरह बनता है, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहे होते हो, UI को रिव्यू कर रहे होते हो. उसके बाद आपकी मीटिंग्स होती हैं अपने प्रोग्राम मैनेजर के साथ, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ, इंजीनियरिंग मैनेजर के साथ, टीम के साथ, आप डिसाइड वगैरह कर रहे होते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे. उसके बाद फिर आपके डिज़ाइन डिस्कशंस हो रहे होते हैं कि आपको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल आप सर्विस लिख रहे हो तो किस टाइप से लिखनी है आपको, अगर डिज़ाइन पैटर्न है तो कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है. ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड आफ्टर दैट. एंड फाइनली उसके बाद फिर आप कोड करना शुरू कर रहे होते हो. फिर कोड करने के बाद आप कोड पुश करते हो, देन देयर आर मल्टीपल रिव्यूज़, लोग उसको रिव्यू करते हैं PR check-ins के बाद. देन रिव्यू होने के बाद कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम है, कुछ और बेटर किया जा सकता है, तो उसको किया जाता है, आप कमेंट्स वगैरह रिजॉल्व करते हैं. दैट्स हाउ इट ऑल एंड्स फाइनली. अब लास्ट एक चीज़ आ जाती है यार, हायरार्की क्या होती है. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द CEO. CEO के अंदर कुछ और लोग होते हैं, CVPs होते हैं, VPs होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे होते हैं. उसके उनके अंदर फिर मल्टीपल M3s, M4s होते हैं, पार्टनर्स होते हैं. पार्टनर्स होते हैं जो एक्चुअली किसी कंपनी में से प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं. सो उन पार्टनर्स के नीचे फिर मल्टीपल M3s होते हैं, उनके नीचे M2s होते हैं, उनके नीचे M1 होते हैं, M1 के नीचे फिर मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं. एंड दैट सेम हायरार्की गोज़ फॉर प्रोग्राम मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, सिस्टम इंजीनियर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट पार्टनर्स के नीचे फिर मल्टीपल ऐसे मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं, उनके मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं, जो एंड में ट्री का जो नोड होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है. एंड जब तक आप SD3 नहीं बनते हो, यू कांट बिकम अ मैनेजर. फॉर एग्जाम्पल इन माइक्रोसॉफ्ट अलग सब कंपनीज का अलग होता है, बट जो मोस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उसमें यू हैव टू बिकम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. यू नीड टू हैव एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देन यू कैन ट्रांसफर, देन यू कैन ट्रांजिशन इन टू अ मैनेजेरियल रोल. सो दिस वॉज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ आया होगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही होती हैं जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, पार्टीज़ कब होती हैं, कोड कितना करना होता है, सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो गए होंगे. इसके अलावा कोई भी अगर आपके डाउट्स बचे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स.
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, चेक आउट algoprep.in. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.